श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल अस जो धायक पल चार बुद्धिहीन धनु जानिक सुमिरउ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरउ कले स्वीकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर तिरु राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुर भू सियावल राम चंद्र जी की जय शरणम संगर हरिओ जय जय सियाराम जय जय हनुमान बोली उमापति महादेव की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय गजानन जी महाराज की जय कृष्ण बलदेव की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बालाजी महाराज की अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय बंधुओं जय सियाराम जय बालाजी बंधुओं कल रामायण पाठ में आप सभी ने श्रवण किया कि अंगद रामन की सभा में अपने पैर को जय सियाराम कह के जमा देता है और रामन से कहता है कि रामन मैं वादा करता हूं अपने प्रभु राम जी की तरफ से अगर तेरी सभा में कोई भी व्यक्ति मेरा पैर पृथ्वी से अलग कर देता है हिला भी देता है तो भी प्रभु राम जी सीता को छोड़कर वापस चले जाएंगे। सभी राक्षस बारी बारी से अंगद जी का पैर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई अंगद के पैर को जरा सा भी हिला भी नहीं पाता। बंधुओं पिछले 6 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्री मद्भागवत कथा राम कथा हनुमान कथा सत्संग कीर्तन भजन संध्या सभी धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी महंत जी से उनके मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रबंधों रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। अगर हम सनातन हैं हिंदू हैं तो रामायण पाठ हमें अवश्य स्वयं भी श्रवण करना चाहिए और अपने घर परिवार के सदस्यों को भी अवश्य श्रवण कराना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं आ रही हो सभी समस्याओं का निवारण प्रभु रामचंद्र जी बालाजी महाराज करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आइए ऐसे ही दिव्य रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार अंगद ने अपना पैर जमाया और सभी राक्षस बारी बारी से प्रयास करते हैं अंगद जी का पैर जमीन से अलग करने के लिए लेकिन कोई हिला भी नहीं पाता। भूमि ना छाड़त कपि चरण दे कप रिप मध्य भागे सिया रामा कोट बिघन ते शांत कर मन जिमनी तन त्यागे हो रामा। जैसे करोड़ों विघन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता वैसे ही बानर अंगद का
चरण प्रथमी को नहीं छोड़ता है। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कप बल देख सकल ही है हारे, ओटा आप कपि के पर चारे, गहते चरण के बाल कुमारा, मम पद गहे ने तोर उभारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी ने राम चरण सट भाई, सुनत फेरा मन अत सकुचाई, बहू तेज हत श्री सब गही, मध्य दिवस जिम ससि सोहे ही। अरे मूरख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुखचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजीन हो गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठम सिरोनाई, मानहु संपत्ति सकल गमाई, जगदाते मा प्राणपति रामा, तासु बिमक किम लह बिश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गमाकर बैठा हो गए। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख होने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम के ब्रगटि बिलासा, होई विश्व पुन पावहि नासा, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु दूत पन कहूं कि मिटा रही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूमि बिलास बहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्राण कहो कैसे टल सकता है? पौन कप कही नीत बेद नाना, माने ने ताहु कालो नियराना, रिप मधुमति प्रभु सो जसु सुनायो, यह कहीं चलो बाल निरप जायो। रंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रामन ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया। फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो ने खेत खलाई खलाई, तो ही अवही का करो बढ़ाई, प्रतमहिता सुतने कपि मारा, सो सुन राम
भयं दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रामन दुखी हो गया। जातो धाने अंगद पन देखी, व्यवाकुल सब भये विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस वैसे अत्यंती व्याकुल है गए। रिपु वाले धारसी हारसी, कपे बाले तने बाले पौंज हो रामा। पोला के शरीर नैन जल गए, राम पद कांज सिया रामा। शत्रु के बल का मर्दन का बल की राशि बाले पुत्र अंगदी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भर आया है। सांझ जाने दस का अंदर भवन गयऊं बिलकाई हो रामा। मंदोदरी रामा नाही बहोर कहा समझाई हो रामा। संध्या हो गई जानकर दस ग्रीव बिलकता भया, उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रामन को समझाकर फिर कहा, कांते समय जो मन तजहु कुमताई, सोएने समर तुमही रघुपतही। रामानुज लघु रेखे देखाई, सो नहीं नागम असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबद्धि को छोड़ दो। आपसे श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरासी रेखा खींची थी, उसे भी आप नहीं लांग पाए। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। प्रिय तुम्हें ताई जितब संग रामा, जाके दूत कैर यह कामा। कौतुक सिंधु नागे तब लंका, आयऊ कपि कहरे असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल ही में समंदर लांघकर वह बानरों से सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया है। रखवारे हत पिपन ओजारा, देखते तो ही अच्छी तही मारा। जारे सकलपुर की ने सी जारा, कह रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषागाले जन मारे हूं, मोरे कहां कछु हृदय बिचारे हूं। पते रघु पत ही ने रपत जन माने हूं, अग जग नाते अतुल बल जाने हूं।
अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ गाल ने मारिए। डींग ने कहा कि मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी अतुलनीय बलवान जानिए। बाण प्रताप जान मारी चा, ता सुख नहीं मान नीचा। जनक के सभा अगणित भूपाला, रहे तो महुबल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल अतुल्य बलवान आप भी थे। बांजी धनुष जाने की बिहाई, तब संग राम जी तहू किन ताई। सौर पत्ते सुत जान भले थोरा, राका जियत आके गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को बिहाया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। सुपन खाके गते तुम देखी, तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपरगा की दशा तो आपने देखी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बद ब्याद कर दूसा नहीं लीला, हतो कवंद हो रामा। बाल एक सर मारो तही जानू दस कंद हो रामा। जिन्होंने ब्राद खर दूसन को मारकर लीला से ही कवंद को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंद आप उनके महत्व को समझिए। जय जले नाते बदाय हैला, ओ तेरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुण के दिन कर कुल के तू, दूत पटाय ते वेहते हे तू। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले, करुणा में भगवान ने आपके ही हित के लिए दूत भेजा है। सवा मांज जहि तवे बल मता, कर बरूते महु मृग पति जता। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे बीरे अति बाके। जिसने बीस सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद हनुमान जिनके सेवक हैं। तहीं कह पिय पुने पुने नार कहूं, मुदा मान ममता मद बहूं। अहकांत कृत राम विरोधा,
काले बेवश मन उपजे ने बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थी मान ममता मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। काले दांडे गई काहू ने मारा, हरही धर्म बल बोध बेचारा, निकट काले जही आवत जाई, तही ब्रह्म हो ही तुम्हार ही नाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दो हूँ सोते मरे दे हूँ पोरे अजहूँ पोरे पिय दे हूँ, कृपा सिंधु रघु नायक भजना ते बिमल जस ले हूँ। आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। जय जय सियाराम, जय बालाजी। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी को राम कथा अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं बालाजी महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार अवश्य पूर्ण करते हैं। दो टारी कीर्तन करते हुए समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें। जय जय सियाराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सियाराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम सियाराम जय।